अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जाफरी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से 26 ग्यारह को हुए आतंकी हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुमरा के ठाकुरपाड़ा स्थित रोशनी महल पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एकनाथ खोल्लम, ये वही पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने उस आतंकी हमले में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनके अलावा मौलाना अली असगर हैदरी, मौलाना शादाब हैदर, पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जैसे समाज के और कई जिम्मेदार लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र के प्रति वफादार बनने का संदेश दिया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य मेहमानों से हमने बात की है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज ये सारे पत्रकारगण, पूरे मुंबई और मजाफात और मुमरा के सहाफ़ी हजरात, आप सबका मैं जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। आपने आज इस प्रोग्राम को कवर किया और इसका होना इसलिए ज़रूरी था, पत्रकारिता जो हमारे देश का चौथा सुतून कहलाती है, ये सहाफत आज इसने यहाँ इकट्ठा होकर के 26/11 यानी मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत और शहीदों को जो खिराज पेश करना था उसका प्रोग्राम रखा गया। आज हम पत्रकारगणों और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने अपने देश के कानून, भारत के कानून को सामने रखते हुए एक कस्साब को जिंदा पकड़ा था और जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने उस पर अदालती कार्रवाई की और अपने भारत के संविधान को और कानून को सबसे बुलंदी पर रखा। हमने उसका काम तमाम किया। अब यहाँ से इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और हमारे देश को मतलूब, हमारे देश को मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान लखवी, तहव्वुर राना और हाफिज सईद, जिसके लिए हेडली ने खुल के बयान दिया है, हेडली की पूरी फाइलें आज अपलोड हैं, उसके बयान अपलोड हैं, उसके रिकॉर्ड जो सेलुलर फ़ोन से चले हैं वो सब के सब रिकॉर्ड हैं। हम आज 26/11 का ये प्रोग्राम अपने देश के लोगों को जगाने के साथ साथ आज पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द भारत को मोस्ट वांटेड, ये तीनों के जो किसी तरह से माफ़ कर देने के काबिल नहीं हैं, आज इन्होंने भारत पर हमला किया है, कल सुपारी लेकर ये किसी भी देश की तरफ बढ़ सकते हैं, कहीं भी 26/11 बना सकते हैं, क्योंकि इनका काम है, ये निहत्ते हो चुके हैं, ये नाकारा हो चुके हैं, ये पाकिस्तान जिनके पास अपनी खुद की क़यादत नहीं, ये पाकिस्तान जिसकी करेंसी एकदम ज़ीरो पॉइंट पर आ चुकी, ये पाकिस्तान जहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, ये पाकिस्तान जहाँ कदम कदम पर लोग भुखमरी का शिकार हैं, ये अपने मुल्क को बैठकर पहले देखे, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत करे और उसके बाद पूरे दुनिया की तरफ निगाह डाले। आज पूरी दुनिया हमारे साथ साथ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज उसी के साथ साथ मैं शहीद होने वाले 18 पुलिसकर्मी, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज के 3 जाबाज और माय नाज ऑफिसर्स कुर्बान हो गए, ये बहुत बड़ा हमारे देश का नुकसान है, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे इस सर्विस तक पहुंचकर अपने देश की रक्षा का काम किया था। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ जल्द से जल्द लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगी और इस पर काम करेंगी। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद उस काली रात को क्या हुआ था थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम एकनाथ खोल्लम है, मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। ये जंग जब शुरू हुई मुंबई में 26/11 को, उस वक्त मैं ताज में पहली बार पहुँचा, तो वहाँ पहले से ही लाइव प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस डिटेक्ट हुआ था, उसका एक्सरे निकाला गया था मेरे सामने, तो उसमें बम है, फिक्स रहता है, लेकिन प्रोग्राम जो तैयार करने वाला जो होता है उसको मालूम होता है कितने टाइम के बाद वो पटने वाला है, वो सब रिस्क उठाकर, जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना डिटोनेटर को अनिल कपूर निकालता है, उस तरह से मेरे इंस्पेक्टर ने मेरे बाजू में खड़े रहकर वो तार खींची
और बोला आगे क्या करना है। डबल मैकेनिज्म होता है कुछ बम में, डबल एक्टिव, फिर बाद में कुछ देर के बाद छेड़छाड़ी करने के बाद बम फूटता है। तो मुझे बम हैंडओवर किया और गिरगांव चौपाटी में जाके क्या करना है बोला, बोला उसने, मुझे मालूम है। मैं गिरगांव चौपाटी में उस बम को बोलेरो में लेके गया, डेढ़ घंटे के बाद पूरा वो नकारा कर, मतलब डिफ्यूज कर दिया उस बम को, और उसमें जो RDX था 6 किलो था, और बॉल बेरिंग जिसको स्लिंटर्स बोलते हैं, जिस एक एक बॉल बेरिंग इधर घुस गई तो आदमी मरता है, वो सब बाजू में निकाल कर आगे की कार्रवाई के लिए मैंने कुलाबा पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर किया। तो मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत खुशी है। सिर्फ एक छोटा सा शेर बोलता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। दिल में राम रखता हूँ, रहीम रखता हूँ, जीसस क्राइस्ट रखता हूँ, गौतम बुद्ध रखता हूँ, अम्बेडकर जी रखता हूँ। मैं मजहब में फ़र्क नहीं करता, मैं मजहब में फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे दिल में सारा हिंदुस्तान रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुधीर भाई, 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी 26/11 के बारे में सोचते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 166 लोगों की मौत हुई थी, 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये पूरे हमले में जिस तरह से मुंबई या पूरी दुनिया जो है दहल गई थी, आज श्रद्धांजलि दी गई है जो शहीद हुए थे उसमें हमले में, आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी, क्या कहिए? मैं इन सभी को हमारे जो शहादत हमारे लिए जो जिन्होंने दी है उनके लिए आज हमने ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं आपसे इस मौके पर एक कहना चाहता हूँ। आज इन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं दी, किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी सिख के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं, इन्होंने जो शहादत दी है हिंदुस्तान के लिए दी। हम मादर वतन को अपनी माँ समझते हैं, इसलिए हम उसको मादर वतन कहते हैं। याद रखना, ये जो हमला हुआ था ना किसी मजहब पर हुआ था, ये हमला हुआ था हमारे पर, और ऐसे जो भी हमले हम पर करेंगे उसको हम सब लोग मिल करके डट कर मुकाबला कर करके हम हमारे देश की हिफाजत करना जानते हैं, और हमारे लिए हमारे देश और वतन से बढ़कर कुछ नहीं है, यही आज का ये सबसे बड़ा संदेश है। और मैं आप सभी लोगों को, पत्रकारों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इतने अच्छे वक्ताओं को सुना। आज मैं इस मौके पर मेरे जितने भी शहादत हमारे देश के लिए जिन्होंने दिए उनको हम लोग विनम्र अभिवादन करते हैं, और तहे दिल से ये आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जब भी ऐसा कोई हादसा हो हम सबको एक होकर के लड़ना है, हमारा देश एक है, हम एक। जय हिंद। हिंदुस्तान 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 आतंकवाद 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 पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डिग्निटरीज एंड डायटीज गेस्ट and my dear spectators and audience and my dear colleagues, I am here to going to speak on Martyrs Day, that we all know Martyrs Day, that we call in Hindi Shaheed Diwas. We know the 30th January is the day when the father of the nation Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse, and it gives me a feeling of honor to talk about the importance of that day and the teachings of Mahatma Gandhi. Mother's Day is celebrated on 30th January and 26/11 when they are Shaheed and they are martyred from the terrorists. I am remembering the horrific terror attack on
Mumbai on 26th 11. 13 years since the terrific attacks on Mumbai. Amongst them, Shahid Hemant Kagore, Unni Krishnan Tugaran Omle, Ashok Kante, Vijay Salaska, and Mary Maya Martyr. He is their teachings of Satyagraha and make the peace on Maharashtra and save us and leaving us. Let us all pledge to work on the truth and non-violence and thank you for all of them who make the peace on Maharashtra. Thank you, Azad Organization. Thank you, sir. Thank you. Let us salute all those who bore sacrifice, torture and pain, but never gave up because always their nation came first. Yes, very good. The nation comes. Sacrifices themselves in time, in vain, or rather in vain. For the day, some makes of this. The selfish more selfish, the lazy more lazy, the narrow, narrower. Okay, whereas here we are having lots of dignitaries, the people of Mumra, they were always ready to do for the Mumra betterment. And these tributed, we are going to tribute the Shuhada Ikram here. So, here again, I have the dignitaries. Sir, aap yahan par aaye, bahut bahut shukriya aap logo ka. Aur Jafri Welfare ki janib se aap logo ka tahe dil se shukriya. Inshallah, aise hi hum hamare Shuhada Ikram ko yaad rakhte rahenge. और बैटर टू बैटर जो है वो हम इनकी शहादत को रायगा नहीं होने देंगे. जो इन लोगों ने एक बुनियाद डाली है अपनी जान को कुर्बान करके, हम इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे. हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, 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 आतंकवाद, 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 महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस. Yeah.